हेलो ब्रियोन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के पदों पर नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस वैकेंसी को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है, नोटिफिकेशन कब तक में आपको देखने को मिलेंगे, किसके लिए वैकेंसी है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर पाएगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एप्लीकेशन फ़ी है और सबसे ज़्यादा क्या नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नया नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें। आपको पता होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से 44,228 जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। और जनवरी 2024 के अंदर कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा था कि इन भर्तियों के बाद पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के पदों को भी भरा जाएगा। तो कंप्लीट अपडेट आपको मिलेगी। बस आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। आज आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये वैकेंसी किस मोड में आने वाली है, कितनी वैकेंसी फ्रेश कैंडिडेट की होगी, कितनी वैकेंसी रिजर्व होंगी यानी कि जो प्रमोशन वाली वैकेंसी होती है, और इन वैकेंसियों को कौन कंडक्ट करवाएगा। तो हम बात कर रहे हैं जो पिछला नोटिफिकेशन आउट हुआ था 98,083 पदों पर, वहां बात की गई थी पोस्टमैन, एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ और मेल गार्ड के पदों पर आने वाली नई भर्तियों के बारे में। हालांकि अभी जुलाई के महीने में एक नया नोटिफिकेशन आया है, ये आपको आगे हम दिखाएंगे। इसके अंदर आपकी फ्रेश वैकेंसीज भी थी और कुछ यहाँ पर रिजर्व वैकेंसी भी थी, और पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की ही वैकेंसी थी। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ये जुलाई का नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी आ चुका है, शायद आप लोगों ने देखा होगा या फिर आपको जरूरत समझ में ना आई होगी, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। 10th पास वैकेंसी होती है जहां पे एमटीएस के लोग आवेदन करते हैं, और अगर आप लोग जीडीएस के पदों पर हैं तो 10th पास के साथ आप लोग पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो 10th पास एमटीएस और 12th पास पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आवेदन करते हैं। 18 से 32 साल तक एज वाले आवेदन कर सकते हैं। बहुत जल्दी आवेदन शुरू होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन आया है उसको भी दिखाएंगे, और जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं उनको कैसे आपको डाउनलोड करना उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आइए पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं इस वैकेंसी की, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये वैकेंसी आपको किस मोड में देखने को मिलेगी। इसके लिए हमको ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन पे चलना होगा। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का, न्यू नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और कोई भी अपडेट देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को बैकअप के लिए ज्वाइन करके रखें ताकि आप हमारे सोशल मीडिया से हमेशा कनेक्टेड रहें। इंडिया पोस्टल सर्कल, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 और अधिक जानकारी के लिए naukrikhabar.com पे जाके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। डेट्स के बारे में बात करते हैं। अक्टूबर 2024 बहुत सोच समझ के लिखा गया है। जुलाई के अंदर आपकी वैकेंसियाँ हैं जीडीएस की, और इनके लिए फॉर्म 15 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक भरे जाएंगे। इनकी जो मेरिट है कहीं ना कहीं सितंबर के पहले हफ्ते में जारी होगी, जो अभी चल रही है, और इसके बाद ही एसएस महादेवा जी के द्वारा बोला गया था कि 1 या 2 महीने के बाद आपकी पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के पद भरे जाएंगे। तो जो यहां पे पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड की वैकेंसियों के एक्सपेक्टेड जो डेट है वो अक्टूबर 2024 की है। अगर अक्टूबर 2024 के अंदर वैकेंसियां निकल के आती हैं तो आप सभी अगले महीने तक यानी नवंबर 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। ये जो वैकेंसियां, इनके लिए आपको पूरे 30 दिन यानी 1 महीने का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए, ना कि पोस्ट ऑफिस जीडीएस की तरह केवल 20 दिनों का समय दिया जाएगा। यह वैकेंसियां नॉर्मल तौर पे भी आती हैं, आगे आपको प्रूफ मिल जाएगा, और इन वैकेंसियों को जो है तो निकाला जाता है एसएससी के थ्रू, यानी एसएससी जो है तो पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की पोस्टों को भरेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई जिसके अंदर पीए यानी पोस्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और साथ ही साथ इंस्पेक्टर के पद इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर भरे जा रहे हैं। तो सेम ऐसे ही पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड के लिए भी जब वैकेंसियां फ्रेश डेट के लिए आएंगी तो उसके लिए एसएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और एसएससी के द्वारा ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 100 रुपीज की फीस पे करके आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी, एसएससी का एग्जाम अगर आपने कभी एमटीएस के लिए या फिर सीएचएसएल के लिए भरा होगा तो आपको पता होगा कि 100 रुपए जनरल ओबीसी
CWS सेम GDS की तरह ही पे करना होता। बाकी बचे हुए कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में यानी 0 रुपए के शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। एज के बारे में बात करें तो 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। आगे हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। ये पोस्ट वाइज एज आपकी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। MTS के लिए एज अलग रहेगी और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एज अलग होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जो पिछली बार नोटिफिकेशन आया था वहाँ 98,083 पोस्टें खाली थी। इस बात को 2 साल हो चुके हैं, अब तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 1,30,000 पदों पर फ्रेश और प्रमोशन वाली वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार जो नोटिफिकेशन आए थे जिनका लिंक आपको नीचे मिलेगा, पोस्टमैन के लिए 59,099, मेल गार्ड के लिए 1,445 और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 37,539 पदों पर वैकेंसियां थी। 10th पास वाले आवेदन करेंगे MTS के लिए फ्रेश में, 12th पास के लिए पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आवेदन करेंगे। बाकी अगर आप JDS के पदों पर काम कर रहे हैं तो MTS के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई और मेल गार्ड और पोस्टमैन के लिए 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए आवेडन कर सकते हैं। इसकी सैलरी JDS से कई गुना अच्छी होती है, इसीलिए जॉब बहुत बेहतरीन होती है। इसीलिए कहते हैं कि JDS की वैकेंसियों में आवेदन करके सिलेक्शन पाएं, उसके बाद 3 साल बाद MTS और 5 साल बाद पोस्टमैन और मेल गार्ड के पदों पर प्रमोशन हो जाता है तो आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 रुपए तक और गवर्नमेंट के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सभी आपको मिलने लगते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम भी देना होता है। तो जिन बच्चों की शिकायतें रहती हैं कि हम 2016-17-18 में पास आउट किए थे तब इतना ज़्यादा परसेंट नहीं बनता था, हमको एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए, उनके लिए ये वैकेंसी रामबाण होती है। यहाँ पे आपका जो है तो रिटर्न एग्जाम होता है, उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं उसकी जानकारी है। और यहाँ मैंने 3 मेन महत्वपूर्ण लिंक दिए हैं। पहला एक तो न्यू नोटिस 2024 का लिंक है, उसके बाद MTS के नोटिफिकेशन का लिंक है और साथ ही साथ पोस्टमैन और मेल गार्ड के नोटिफिकेशन का लिंक है। मैं नंबर वाइज ओपन करूंगा, पहले 24 का जो नोटिफिकेशन है उसको, उसके बाद पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS का नोटिस। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये जो 1/7/2024 यानी 1 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है वो ओपन हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके अंदर सिर्फ मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि वैकेंसियाँ कैसे आती हैं। देखिए यहाँ पे जो है तो पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS की वैकेंसी आई है और ये केवल और केवल 22-23 ऑल सर्कल के लिए यहाँ पे प्रमोशन वाली वैकेंसी है। यहाँ पे आपको ए से लेकर के एफ तक या फिर शायद इसके नीचे भी कई सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि JDS के जो कैंडिडेट है 2023 एग्जामिनेशन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट पोस्टमैन मेल गार्ड वैकेंसी 2023। यहाँ पे बताया गया है कि JDS के जो कैंडिडेट हैं वो MTS के लिए एलिजिबल हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए एलिजिबल हैं, इस डिवीज़न में एलिजिबल हैं। और इनकी जो वैकेंसीज है वो ऐसे आती है, इसको देखें। यहाँ पे बताया गया कि पोस्टमैन 15-16 से लेकर के 2022 तक वालों के लिए वैकेंसी है और इसके बाद यहाँ पे आपकी मेल गार्ड में 2015-16 से जिनका सिलेक्शन हुआ है 22 तक के बीच में उनके लिए वैकेंसी, और MTS में 2009 से लेकर 2022 के बीच में जिनका सिलेक्शन हुआ ये वैकेंसी उनके लिए है। तो ऐसी ऐसी वैकेंसीज हैं और इनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। 1356 हो गया, 9 वैकेंसी यहाँ हो गई, 1266 यहाँ हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको जो है तो वैकेंसियाँ 2500 प्लस देखने को मिल जाती हैं, यानी 2500 वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पे वैकेंसियों की लिस्ट है, कितनी वैकेंसी कहाँ पे खाली हैं 2023 के अंदर, यानी कि 2022 तक का कोटा तो यहाँ फिल हो रहा है, बाकी 2023 की वैकेंसियाँ जब आएंगी या फिर आ चुकी हैं तो उनकी डेट यहाँ पे देखें। पोस्टमैन, मेल गार्ड और MTS, ध्यान रखिएगा ये भी वैकेंसी पूरी तरीके से डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, फ्रेश वैकेंसी SSC की तरफ से आएगी, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है SS महादेवा जी, जो कि JDS के महासचिव हैं। और उसका प्रूफ भी मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। पहले इसको आप देखें, यहाँ पे जनरल OBC, SC, ST, EWS सभी की वैकेंसी होती है, बस मौका एक चाहिए आपको कि कैसे भी करके आप JDS के पदों पर सिलेक्शन ले लें। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ सभी सर्कल्स के डिविजन्स के नाम दिए गए हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं अपने जो नोटिफिकेशन हमारा यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में, कैसे इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो अगर आप MTS के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ से, और पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए यहाँ पे, हम पहले पोस्टमैन और मेल गार्ड का नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। देखिए PDF हमारे सामने है, ये 2024 लगा है और 2022 यानी पूरे 2 साल पहले का नोटिफिकेशन है, हालांकि 2022 के आखिरी में ये जारी हुआ था, नवंबर के महीने में, 15 नवंबर 2022 को, पिछला साल बीत गया और ये साल अभी तक इन वैकेंसियों को, पोस्टमैन मेल गार्ड रिक्रूटमेंट को आउट नहीं किया गया। अब उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको जो है तो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये ड्रॉप नोटिफिकेशन
क्वेश्चन था, इसके अंदर आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई थी। कैसे देखें यहाँ पे, पोस्टमैन के लिए 2022 तक 59,099 पोस्टें खाली थी। ग्रुप सी की वैकेंसी 21,700 से 69,100 रुपये तक की सैलरी थी। 18 से 27 साल की उम्र है। एजुकेशन में देखें, 12th स्टैंडर्ड जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर पर्सन हु आर वर्किंग एज ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि 10वीं पास जो JDS के पदों पर काम कर रहा, और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा भी कई सारी स्किल्स हैं, अदर क्वालिफिकेशन से इसको देख सकते हैं। और इसी के नीचे आएंगे तो आपको मेल गार्ड के पदों पर जो वैकेंसियाँ हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे देखें, मेल गार्ड है 1445 2022 तक और 21,700 का वेतन, और बाकी उम्र से लेकर के क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें सेम हैं। अब इसी तरीके से आप चाहें तो MTS का नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हमारे द्वारा दी जा रही इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। काम आपको एक करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अक्टूबर की महीने की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड है इस वैकेंसी के लिए, तो आप इंतजार करें, कहीं ना कहीं आपको नए नोटिफिकेशन या नई सूचना आपको ज़रूर से देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।